हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्विस्टिव एजुकेशन। मैं आपका एजुकेटर आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। और आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे उसकी डेट है 8 जुलाई 2019 का। मैंने 8 जुलाई 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट कवर करवा दी है और अब हम लोग इवनिंग शिफ्ट की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस को इन डेप्थ में समझेंगे, उनके बारे में एक एक जानकारी लेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बस आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को आराम से एक जगह पर बैठ के देखना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ मिले, तो आप लोगों को मुझे कमेंट से मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेल मिलेगी, उस पर आपको अपनी मेल से मैसेज करना है और बोलना है सर जी पीडीएफ दीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बात खत्म। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को ले सकते हैं और उन्हें अच्छे से रख सकते हैं। अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड चैंपियन जो 2020 में होने वाली थी, मतलब अभी तो कैंसिल हो गई है, लेकिन उस टाइम पे ये पूछा गया था कि ये कब होने वाली है, मतलब कहाँ पे होने वाली थी। तो ये इंडिया के अंदर होने वाली थी, पर वही आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया है, तो ये अब नहीं होगी। ओके, और ये जो अनाउंसमेंट करी गई थी ये 12 मई 2020 को कर दी गई थी कि ये वाला जो 2020 का फीफा है इसे कैंसिल करके हम लोग 2021 में 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2021 तक करेंगे। अभी तक यही है, बाकी अगर उस टाइम पे कंडीशन सही रहेंगी तो ही करा जाएगा, नहीं तो तब भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 2020 वाला जो फीफा अंडर 17 है वुमेन्स का, वो कैंसिल हो गया है। ओके, अगर मैं बात करूँ कि ये टूर्नामेंट फुटबॉल का है, जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फीफा का फुल फॉर्म है ये। और अगर हम लोग बात करें कि इस टाइम पे इसके जो करंट चैंपियनशिप है, चैंपियंस जो हैं इसके, वो स्पेन को ये मिला हुआ है कि जो स्पेन है वो चैंपियन है आपकी फीफा की। ओके दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक प्लांट में आप मान सकते हैं एक स्टीम लाइक पार्ट होता है लीफ के साथ, जो कि ज्वाइन करता है ब्लेड को स्टीम से, तो उसको क्या किस नाम से दिया कि क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है पिटोइले। ओके, ध्यान रखिए, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि लीफ को जो बीच की, आप ये जो डंडी सी मान सकते हैं, डाली सी, इसे हम कह सकते हैं मान लीजिए, तो ये जो पौधों में रहती है इसे हम कहते हैं आपकी पिटोइले। ओके, ध्यान रखिएगा, लीफ को उसकी स्टीम से जोड़ना पिटोइले का काम होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे दो आपके लिए वर्ड है, उन्हें ध्यान रखिएगा। पहला है आपका स्टडी ऑफ प्लांट्स, किसे कहा जाता है, तो बॉटनी को कहा जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फ्लावर ऑफ गॉड कार्नियनस को कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा नाम इसका, कार्नियनस जो है उसको कहा जाता है फ्लावर ऑफ गॉड। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी है और जो फ्लावर ऑफ गॉड है वो है कार्नियनस। ओके, ध्यान रखिएगा नाम इसका, CARNATIO, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि डैश जो है एक टाइप है हमारा गुड का, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे ही प्राइस बढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो कौन से टाइप का गुड है, तो आपका वो गिफिन गुड्स है। ओके, ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अंदर कि गिफिन गुड का क्या मतलब चल रहा है कि आप देखिए क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक से कंडीशन आती है, प्राइस रीच एट अ पॉइंट एच वी डिमांड स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, मतलब कि अब क्या हो रहा है, अब डिमांड जो है वो घट रही है और प्राइस लेकिन बढ़ रहा है। ओके, क्वांटिटी भी घट रही है तो इसलिए डिमांड ज़्यादा हो रही है। ओके, ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी कम होगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा, और कम अगर क्वांटिटी होगी तो डिमांड भी कम ही होगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये गिफन गुड टाइप है गुड्स का, जहाँ पे आपका जो डिमांड इंक्रीज होती है जैसे ही उसका प्राइस राइज हो जाता है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट थी RESET-2B, उसे लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली सतीश धवन स्पेस सेंटर से, तो बोला गया है कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जगह क्या है उसकी, तो श्रीहरिकोटा के अंदर आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारे जितने भी लॉन्चेज होते हैं वो यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करवाते हैं, और जो भी आप मान सकते हैं जो भी जा रहा है रॉकेट वो हवा में मतलब स्पेस में चले जाता है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से चले जाता है। आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और इस टाइम पे जो डायरेक्टर हैं जो सतीश धवन स्पेस सेंटर के, उनका नाम है अरुमुगम राजाराजन। ओके, ध्यान रखिएगा ये उनका नाम है जो डायरेक्टर हैं इस टाइम पे। और 2002 के अंदर जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम जो है, ये पहले नाम था इसका श्रीहरिकोटा रेंज, लेकिन 2002 के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर नाम रख दिया गया, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रिसेट के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म इसका रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2B है, जैसे लिखा हुआ है, और ये जिस रॉकेट से छोड़ा गया था उसका नाम था PSLV-C46, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। लॉन्च डेट इसकी थी 20 मई 2019 को, ये बात आपको सब कुछ ध्यान रखनी है आपका RESET-2B के बारे में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि आपने उन्हें देखा होगा जो फ्लावर्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ वेजिटेबल्स में क्या होता है कि एक पर्पल पिगमेंट आ जाता है या फिर रेड पिंक ब्लू कई अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं, तो वो किन वजहों से आता है, मतलब कौन सा ऐसा उनके अंदर आप मान सकते हैं उनके अंदर हार्मोन हो गया या कौन सा ऐसा तत्व होता है उनके अंदर जिसकी वजह से ये आ जाता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? तो उस पिगमेंट का नाम है एंथोसेनाइस, ध्यान रखिएगा एंथोसेनाइन जो है उस पिगमेंट का नाम है जिसकी वजह से जो फ्लावर्स का कलर रेड पिंक ब्लू पर्पल इन कलर में आ जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, एक और यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका लाइकोपिन, ये क्या होता है, ये आपका जो मान सकते हैं जो पोटैटो हो गए और आपके वाटरमेलन हो गए इनके अंदर जो रेड और पिंक कलर होता है ये लाइकोपिन की वजह से आता है। लाइकोपिन एक प्लांट न्यूट्रिएंट है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इसके पास है, तो इस वजह से ये क्या करता है, ये रेड और पिंक कलर जो दे देता है फ्रूट्स को। ओके तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो 1757 में एक बैटल हुई थी उस बैटल का नाम बताना है जिस टाइम पे जो ब्रिटिश पावर थी उसने पॉलिटिकल पावर इंडिया के अंदर अचीव कर ली थी। ओके दोस्तों, पॉलिटिकल पावर उस टाइम पे अचीव कर ली थी ब्रिटिश इंडिया ने उस बैटल के बाद, तो जो वो बैटल हुई थी वो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, इसके अंदर ब्रिटिश जीती थी आप लोग जानते हैं, तभी उसके पास पावर मिली, उसकी पॉलिटिकल पावर, उसने सोचा पॉलिटिकल पावर अब ली जाएगी। और मैं बता दूं आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज नवाब ऑफ बंगाल, और उसके साथ साथ नवाब ऑफ बंगाल के साथ आपके फ्रेंच भी थे और नवाब ऑफ बंगाल और फ्रेंच वाले दोनों ही हार गए ब्रिटिश इंडिया से। अभी हारे क्यों थे, क्योंकि इन्हीं के जो कमांडर थे, चीफ कमांडर नवाब ऑफ बंगाल वाली जो सेना थी उसके जो चीफ कमांडर थे वो लोग ब्रिटिश इंडिया के साथ मिल गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से वो हार गए। ओके दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो वॉर हुई थी ये हुई थी हुगली रिवर के किनारे, मतलब ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश की जीत हुई थी इस वाले में बैटल ऑफ प्लासी में, जो कि कब हुआ था 1757 के अंदर, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक और सवाल आता है आपका कि उस ऑथर का नाम बताइए जिन्हें आपको 27th व्यास सम्मान मिला था के बिरला फाउंडेशन 2018 के अंदर, मतलब कि जो के बिरला फाउंडेशन की तरफ से आपको व्यास सम्मान मिलता है वो किस ऑथर को मिला था, तो उनका नाम था ममता कालिया। ओके ध्यान रखिएगा इनके बारे में, और ये एक प्रोमिनेंट इंडियन राइटर हैं, काफ़ी बढ़िया लिखती हैं ये, इस टाइम पे ये एडिटर हैं महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी पे, वहाँ पे ये जो क्वार्टरली मैगजीन जो हिंदी की निकलती है उसके ये एडिटर हैं। ओके ध्यान रखिएगा, और एक और इन्हें अवार्ड मिला था 2012 के अंदर जिसका नाम था सीता अवार्ड, जो कि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यास सम्मान के बारे में बात करें तो 2019 के अंदर ये व्यास सम्मान जो है वो नसीरा शर्मा को मिला था, उनकी बुक जो है कागज की नाव उसके लिए, और 2018 के अंदर जो इन्हें मिला था उस टाइम पे लीलाधर जगौड़ी नाम था जिनका, उनको मिला था ये जितने लोग उतना प्रेम उस बुक के लिए। ओके दोस्तों, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारी पार्लियामेंट में एक ऐसी कंडीशन आती है मान लीजिए जहाँ पे उस कंडीशन को जीरो आवर कहा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो पूछा गया है कि ये अब तक कितनी बार, मतलब हाउ मेनी मैटर्स पर डे एज पर देयर प्रायोरिटी इन द बैलेट आर अलॉटेड टू बी राइज्ड ड्यूरिंग जीरो आवर, मतलब जीरो आवर के अंदर कितने सारे मैटर्स आप लोग हर दिन मतलब बात कर सकते हैं या फिर उस पर रख सकते हैं बैलेट में जितने दिए गए हैं उस हिसाब से, तो हम लोग 20 जो जीरो आवर करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं जो 20 है ये किसी भी तरीके से रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऐसा मेंशन नहीं है, ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि MPs के लिए अवेलेबल होता है, और ये कब यूज़ किया जाता है, जब भी कोई क्रिटिकल मूवमेंट आ जाए या फिर कोई ऐसी मूवमेंट आ जाए जब डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही हो तब हम लोग जीरो आवर का यूज़ करते हैं दोस्तों, और ये इंडिया ने ही इंट्रोड्यूस किया है, मतलब हमारी पार्लियामेंट में पहली बार ये हुआ था, जो कि भारत की देन है मान सकते हैं आप इस तरीके से। ओके इसमें क्या होता है कि कोई भी मैटर जो भी है उसे हम राइज कर सकते हैं उस टाइम पर बिना किसी नोटिस दिए, जो कि नोटिस 10 दिन पहले एडवांस में दी जाती है कि हम लोग ये बातें करने वाले हैं पार्लियामेंट में आज, तो उससे 10 दिन पहले ना बिना दिए एडवांस में जीरो आवर में हम लोग ऐसे मैटर्स पे बात कर सकते हैं, तो दिन में हम लोग 20 ऐसे मैटर हैं जिन पे ये बात कर सकते हैं या फिर 20 जीरो आवर पे हम लोग कर सकते हैं ये चीज़ पार्लियामेंट के अंदर, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि कौन सी स्टेट में सेकेंड एडिशन हुआ था इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का, तो कौन सी स्टेट में हुआ था वो, तो आसाम के अंदर आपका ये हुआ था गुवाहाटी के अंदर, तो ये चला था आपका भाई 20 से लेकर 24 मई 2019 तक सेकेंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट था ये। तो आसाम के बारे में बात करें तो इसके कैपिटल दिसपुर हो जाती है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, CM सर्वानंदन मुखी हैं और सर्वानंदन सोनोवाल हैं सॉरी, और जो डांस है वो है बीहू डांस, और जो मैमल यहाँ पे वो है वन हॉर्न राइनोसेरस, ध्यान रखिएगा ये सारी आपको बातें ध्यान रखनी है आसाम से रिलेटेड। अगला आपका सवाल आता है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है जो कि इनपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर आउटपुट है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, हेडफोन भी आउटपुट है,
सब कुछ आउटपुट है, पर जॉयस्टिक से क्या होता है, ये कंट्रोलर होता है एक तरीके का, जहाँ से आप अपने माउस को हिला सकते हैं ये जॉयस्टिक के द्वारा। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान दीजिए। बाकी सारे जितने हैं, ये प्रोजेक्टर तो आप लोगों ने देखा होगा सामने, आप लोगों को खुद दिखता होगा ये कि प्रोजेक्टर पे यूज़ किया जाती है प्रेजेंटेशन को, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इंडियन मूवी के जो स्टार हैं राहुल बोस, वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, मतलब कौन से स्पोर्ट्स से वो बिलोंग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपका रग्बी, वो रग्बी खेलते थे। मैं बता दूं आपको, काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं ये, एक्टर तो हैं ही हैं, साथ में ये डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी बढ़िया मूवी बनाते हैं ये। और चलो ये बात हो गई कि राहुल बोस के बारे में, लेकिन और भी ऐसे स्टार हैं जैसे कि हनी सिंह जो है वो कबड्डी से रिलेटेड हैं, और जो अक्षय कुमार हैं वो मार्शल आर्ट से रिलेटेड हैं। सब जानते हैं मार्शल आर्ट वो बहुत बढ़िया हैं, उसमें वो स्टंट भी खुद ही करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ध्यान रखिएगा कि राहुल बोस जो हैं वो आपके रग्बी प्लेयर्स, रग्बी जो स्पोर्ट है उससे बिलोंग करते हैं, उससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि कौन से सिख गुरु ने जो आदि ग्रंथ है उसको बताया था, मतलब उसे कंपाइल किया था, होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म की जो आदि ग्रंथ है उसे कंपाइल किया था। तो गुरु अर्जन देव जो हैं उन्होंने ये कंपाइल करा था आदि ग्रंथ जो है इसका, जो कि आप मान सकते हैं ये एक सिखिज्म के लिए बहुत बढ़िया बुक है ये। ओके दोस्तों, इनके बारे में बात करूं तो इन्हें द फिफ्थ मास्टर भी कहा जाता है। इनका जन्म इंडिया में हुआ था, जो कि जगह थी आपकी गोंदवाल में, लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी वो लाहौर में, उस टाइम पे तो इंडिया में ही था पर अभी पाकिस्तान में है। साथ ही साथ मैं बता दूं, इन्होंने हरमंदिर साहिब भी बनाया है, और साथ ही साथ ये फाउंडर हैं तरन तरन साहिब के भी। तो ये सारी बातें जो हैं ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था, तो कौन से नेशनल पार्क पे वो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। तो सुंदरबन जो है उस नेशनल पार्क में ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे स्टार्ट किया गया था 1973 के अंदर। सुंदरबन के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर आता है ये। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे 1987 में मिल गई थी, और इसे डेजिग्नेट किया गया था एज अ रामसर साइट 2019 के अंदर ही। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक आपका ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, ये मैं बता दूं ये हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में बनाया गया था, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर ये आता है जिम कॉर्बेट। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। और यहाँ पे आपका एक और मैं बता दूं आपको, जो आपका यहाँ पे है भितरकनिका, ये भी जो नेशनल पार्क है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ये आपका ओडिशा के अंदर है, केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ, और इसे रामसर साइट में 19 अगस्त 2002 में लाया गया था। ये भी आप बातें ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, देखिए कुछ सवाल आपकी इकोनॉमी के ऐसे होते हैं या फिर एक कंपनी से ऐसे रिलेटेड होते हैं जो कि आपको पता करना बहुत मुश्किल होता है, वो करंटली पूछ लेता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको थोड़ी मतलब अपना हल्का फुल्का कॉमन सेंस लगा के ही तब उसको करना है, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने देखे हैं इकोनॉमिक्स के ऐसे आ जाते हैं जो कि कभी आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इतना अलग वो रहता है एक तरीके से, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि आप सब कुछ पढ़ लें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इसलिए प्रीवियस ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन एसएससी सीएचएसएल में डायरेक्ट पूछा गया है, मैंने देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट सवाल पूछा गया। तो अब इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए डैश है, स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ अ लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियल साउंड कंपनी दैट हैज ऑपरेटेड फॉर मैनी ईयर्स, मतलब कि ऐसे स्टॉक का नाम बताइए जो कि बड़ा रहता है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं जिनको काफ़ी साल हो गए हैं काम करते करते, तो उनके स्टॉक को क्या कहा जाता है। तो उनके स्टॉक को कहा जाता है ब्लू चिप स्टॉक। ओके ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसी कंपनीज जिनको काफ़ी साल हो गए हैं, जो कि फाइनेंशियल बढ़िया हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, उनके लिए जो स्टॉक रहता है उसको हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक। ध्यान रखिएगा इस बारे में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि द चेन ऑफ आइसलैंड क्लोजली स्कैटर्ड इन अ बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, मतलब कि आइसलैंड की चेन को जो कि वाटर के अंदर रहती हैं और मतलब हल्की हल्की दूरी पर रहती हैं वो थोड़ी बहुत, उसे क्या कहा जाता है, उस टर्म को क्या कहा जाता है, इन सभी ग्रुप को एक साथ उस चेन को क्या कहा जाता है। तो उस चेन को कहा जाता है आर्की पेलागो। ओके ध्यान रखिएगा इसके बारे में, आर्की पेलागो कहा जाता है उसे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नहीं होते हैं, तो जब उन्हें हम लोग लोकसभा में राइज करते हैं, एक स्पेशल मेंशन मतलब एक आपको पावर दी गई है, तो वो कौन से रूल के अंडर है। तो रूल जो है वो 377, उसके अंदर हम लोग लोकसभा के अंदर कुछ ऐसे मैटर्स को भी बात में कर सकते हैं जो कि पॉइंट से अलग हैं, पॉइंट से हटके हैं। ओके दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिएगा, वो स्पेशल पावर है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रूल 377 के अंडर में आती है वो पावर आपकी। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक फेमस डांसर हैं जिनका नाम है चिमन छेरी कुन्ही रमन, तो कुन्ही रमन नायर जो हैं वो कौन से डांस से, किस डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं या एसोसिएटेड हैं। तो कथकली डांस ये क्या करते हैं, काफ़ी बढ़िया हैं ये, काफ़ी अच्छे डांसर हैं ये, बहुत अच्छी मतलब कह सकते हैं काबिलियत है इनके पास, बहुत अच्छा डांस करते हैं। इनके बारे में बात करें तो इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, जो कि इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन
ऑनर है और 2017 में इन्हें वो पद्मश्री मिला था। कथकली के बारे में बात करें तो कथकली के अंदर एक अवार्ड होता है जिसके बारे में आपको याद रखना है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स, तो वो भी कथकली में दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से अवार्ड्स किस डांस से रिलेटेड है, तो यह ध्यान रखिएगा कि कथकली से संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इंडिया के अंदर जो ऊर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है वो क्या कहा जाता है, मतलब इंडिया के उनका नाम क्या है, तो सप्त ऋषि के नाम से इंडिया में जाना जाता है। ये सातों ही ऋषि मतलब आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें, यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिए हैं। और जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, एक तो आपका भीरू हो गया, फिर आपका वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाहा और आपका करतु। तो ये इसके जितने हैं ये नौ, ये सात होते हैं, सप्तऋषि, सेवन सप्तऋषि से आप याद रख सकते हैं, ये सात होते हैं और इन्हीं का ये नाम है। और जो ऊर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है उसको बनाते हैं, मतलब इंडिया के अंदर सप्तऋषि के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जब कंप्यूटर लोड लेता है, मतलब जब उसके पार्ट लोड लेते हैं, तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और रोम के साथ जब वो कनेक्ट करता है, लोड लेता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस पूरी प्रोसेस को, मतलब आपका जो डिवाइस है बूट होने से मतलब स्टार्ट होने के बाद पूरा कंप्लीट होने तक उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। ध्यान रखिएगा, बूटिंग कहा जाता है उस पूरी प्रोसेस को जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, लोड लेता है, मतलब लोडिंग करता है जो भी आपको रिक्वायर्ड पार्ट्स चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपकी रैम से, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक बुक है वाइस एंड अदरवाइज, तो वो बुक जो है वो किन्होंने लिखी है, उसके राइटर कौन है, तो सुधा मूर्ति जो है वो राइटर हैं वाइस एंड अदरवाइज बुक के। ध्यान रखिएगा काफ़ी बढ़िया बुक है ये। मैं बता दूं आपको सुधा मूर्ति जी के बारे में, तो ये जो चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की और ये वाइफ हैं को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस NR नारायण मूर्ति के बारे में, और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है सुधा मूर्ति के बारे में। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जिन्हें 7th जुआना मिरो प्राइज जो है 2019 का मिला था, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नलिनी मलानी। ध्यान रखिएगा इनका नाम, और ये काफ़ी बढ़िया है। इन्हें एक और प्राइज़ मिला हुआ है जिसका नाम है फुकाओ आर्ट्स एंड कल्चर प्राइज़ 2013 के अंदर। और जुआनो मिरो प्राइज़ के बारे में बात करें तो ये हर 2 साल में दिया जाता है, मतलब कि 2019 में दिया है, अब अगला जो आपका प्राइज़ मिलेगा ये आपका 2021 में मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात बारे में। अब बोला गया है कि एज ऑफ जून 2019, तो उस टाइम पर पूछा गया था कि इंडियन स्टेट जो मतलब गोवा की सबसे कम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट के पास हैं उस स्टेट का नाम बताना है, तो गोवा जो है वो आपकी स्टेट है, अब भी यही है, सबसे कम 2 ही स्टेट हैं, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा, बस सिंपल इतनी ही स्टेट हैं इसकी, ना कोई झंझट ना कोई परेशानी, बात खत्म यहीं पर। गोवा के बारे में बात करें तो कैपिटल पानाजी, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और CM जो है प्रमोद सावंत हैं, दोनों ही BJP के हैं। ब्लड के बर्ड जो है वहाँ पे जो इनकी स्टेट बर्ड है वो है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, और फ्लावर जो है जैस्मीन, वहाँ का स्टेट फ्लावर हो जाता है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि एक वर्ड है ट्विडल, ओके ध्यान रखिएगा ये वर्ड कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो टेबल टेनिस से होता है। अब मैं बताऊं इसमें क्या होता है, जब आपने देखा होगा कई बार जो प्लेयर होता है वो अपने रैकेट को, ये मतलब ये भी मान सकते हैं टेबल टेनिस के टेनिस को, एक बार घुमाता है अपने हाथ में और ब्लैक साइड को सामने ले आता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं या फिर उस तरीके के ट्रिक या फिर आप मान सकते हैं जो भी उसे कहते हैं उसे हम कहते हैं ट्विडल। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, तो टेबल टेनिस से ये वर्ड आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि AN- इज द वाइड एंड ऑफ अ रिवर दैट मीट्स द सी, मतलब कि एक वाइड रेंज ऑफ रिवर का सी में मिलना, उस चीज़ को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये काफ़ी सारी जो हैं ये आ रही हैं अलग अलग तरीके से टूट टूट के नदियाँ आ रही हैं और जाके ये सी में मिल जाएंगी, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका एस्ट्यूरी। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो एस्ट्यूरी इसका नाम है। और ये क्या होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं काफ़ी सारी नदियों आती हैं टूट फूट के जो भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, लेक वेक जो भी कुछ है, लेक नहीं हो सकता ये, पर जो भी कुछ है ये टूट टूट के आ रही है ना नदियाँ, तो वो जब मिल जाएंगी पानी से सी से तब हम कहते हैं वो स्टैचुरी है, ओके ध्यान रखिएगा इसके बारे में। लास्ट आपका सवाल आता है कि बुमचू एक यूनिक कल्चरल फेस्टिवल है, तो कौन से स्टेट से वो रिलेटेड है, तो बुमचू आपका सिक्किम से रिलेटेड है, यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल होता है ये वाला और काफ़ी बढ़िया रहता है, कभी मौका मिले आपको तो जाइएगा, सिक्किम पास में ही है, इंडिया में ही है। तो बुमचू जो है वो एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और 2019 में ये जब बनाया गया था तो 19 नवंबर को मनाया गया था, अभी इस बार का नहीं पता। अगर इसकी डेट जो फिक्स की जाती है वो फिक्स की जाती है 22nd डे ऑफ द 9th लूनर, उस टाइम पे जो भी रहता है उस डेट को हिसाब से लिया जाता है। सिक्किम के बारे में बात करें तो कैपिटल गैंगटोक हो जाती है, गवर्नर यहाँ के गंगा प्रसाद हैं, CM प्रेम सिंह तमंग हैं और जो MLA यहाँ का वो रेड पांडा है, ओके। तो ये सारी बातें हैं रिलेटेड आपकी सिक्किम से, और यही था
हमारी आज की पूरी वीडियो में। आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। आज मैंने 8 जुलाई कंप्लीट कर दी है, कल हम लोग 9 जुलाई लेंगे। इस तरीके से 11 जुलाई तक के सभी जो जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं उन सभी को मैं कंप्लीट करवाऊंगा अच्छे तरीके से, आपको एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बताइए, कोई भी आपको सजेशन देना हो मुझे तो ज़रूर दीजिए, मैं अपनी अगली वीडियोज़ में आपके सजेशन पर काम करूँगा और अपनी वीडियोज़ को और बेहतर तरीके से लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।